नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कल, परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दौरे को लेकर सीएम धामी लगातार कर रहे हैं निरीक्षण। सीएम धामी आज अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री करेंगे बैठक, परेड ग्राउंड का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। बीजेपी का जनसभा में 1,00,000 भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है। आपको बता दें कि सीएम धामी लगातार परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सीएम धामी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का जनसभा में 1,00,000 भीड़ जुटाने का लक्ष्य। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कल, परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दौरे को लेकर सीएम धामी लगातार कर रहे हैं निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है। परेड ग्राउंड का सीएम धामी ने निरीक्षण कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बीजेपी का लगभग 1,00,000 भीड़ जुटाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। बीजेपी 1,00,000 से ज्यादा भीड़ जुटाने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कल है, जिसको लेकर सीएम धामी सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वैभव जी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर, जरा विस्तार से बताइए। आपको बताना चाहूंगा, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है, जिसमें लाखों लोगों के यहाँ पर सम्मिलित होने की यहाँ पर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर लगातार जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, आला नेता हैं, वो मैदान का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर रैली होनी है। यहाँ पर कल रात्रि को मुख्यमंत्री प्रशासन धामी भी वहाँ का जायजा लेने पहुंचे थे। जो प्रदेश प्रभारी हैं यहाँ पे केंद्रीय माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी एवं मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से यहाँ पर जायजा लेने जाने वाले हैं। जी, जिस तरह से वैभव जी 1,00,000 से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है, उसको लेकर कैसी व्यवस्था वहाँ पर चल रही है? बताना चाहूंगा आपको, कल जो भाजपा कार्यालय से यहाँ पर जो प्रचार गाड़ियां हैं उनको रवाना किया गया है। जो जगह जगह जाकर जो प्रचार है वो करेंगे कि मोदी जी आ रहे हैं, लोग मोदी जी को सुनने वहां पर पहुंचे। साथ ही साथ जो विधायक गण है वो अपने विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर लोगों को लेकर आएंगे। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधानसभा डोईवाला से 5,000 लोगों के आने की यहाँ पर संभावना जताई है। तो इस प्रकार से जो सभी विधानसभाएं हैं वहां से लोगों के आने की संभावना काफी जताई जा रही है। वैभव, जिस तरह से 1,00,000 के भीड़ का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो कोविड जांच को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? ही यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी कोविड टेस्टिंग यहाँ पर शुरू कर दी गई। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर जो लोग हैं, आला नेता हैं, उनकी कोविड टेस्टिंग यहाँ पर पहले की गई थी। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो कोविड के जो लोग पहले एंट्री करेंगे उनका एंटीजन टेस्ट होगा, उनका टेम्परेचर यहाँ पर नापा जाएगा, उसके बाद उनको एंट्री दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। तो जिस तरह से हमें पता लगा कि 1,00,000 की भीड़ का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लेकर वहां पर मौजूद सभी मंत्रियों की भी और
सभी लोगों की कोविड जांच की जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि पुष्कर सिंह धामी सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं और कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।